इंश्योरेंस लेके बहुत मोटा मोटा बैंक बैलेंस बना के भी वो पैसा मुझे दवाइयों पे ही खर्च करना है, तो क्यों ना उस दवाई के लिए ही फाइट कर लिया जाए, उस कचरे के लिए ही फाइट कर लिया जाए, तो उसके लिए कमाना ही नहीं पड़ेगा। आज सिर्फ सोच बदलने की देर है। आपकी जेब में जो पड़ा हुआ प्लास्टिक का पैकेट आप फेंकते हुए एक बार भी नहीं सोचते, और आप ध्यान दीजिए 30% आपका IQ जो है वो उस प्लास्टिक ने ही आप दिल्ली में खत्म कर दिया है। सशक्त करने की, जिन्हें समाज को सशक्त करने की चढ़ी है खुमारी, हमारे सामने आ रहे कॉइन फॉर गार्बेज फाउंडेशन के हेड वन एंड ओनली ऑन मिस्टर आदित्य तिवारी। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करते हैं। आवाज आ रही है? जोश और ठंडा लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा? आर्य आवाज आज हमारे कॉम्पिटिशन में थीम क्या है? चलो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। आई एम आदित्य तिवारी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉइन फॉर गार्बेज फाउंडेशन। अब जब हमने शुरुआत करी तो थोड़ी बहुत चीजें आपको भी लग रहा होगा आपके आसपास, थोड़ा बहुत तो नहीं, एक चीज बहुत मिल रही है। क्या मिल रहा है हमारे आसपास मुकुंदपुर में सबसे ज्यादा? सुंदर दिखते हैं? तो कूड़ा रहना चाहिए ऐसे ही हटना चाहिए? कौन हटाएगा? सारे हटाएंगे? थोड़े बहुत रुक गए यार, ऐसा लग रहा है थोड़े बहुत कह रहे कि मैं नहीं हटाऊंगा, अभी मेरा काम नहीं है। अच्छा बड़े वाले तो सोच रहे मैं क्यों उठाऊं, साथ वाला मैंने उठाया तो उठाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं उठा रहा। कचरा उठाना आज से 1970 वाला काम नहीं है, हम 2019 में बैठ के कचरा उठा रहे हैं और 2019 में ही कचरे की बात कर रहे हैं। है क्या अपने यहाँ कुछ मेंटेलिटी है कचरे को लेके? मेंटेलिटी क्या है कि बंटू भैया और मन्नू भैया दो लोग जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते बंटू भैया को याद आया कि यार कुरकुरे के लिए 10 रुपए मम्मी ने दिए थे तो कुरकुरे खा लेते हैं स्कूल से निकलते हुए। अब बात किस किस की हो रही है? ये बंटू भैया और मंटू या मन्नू भैया? अच्छा बंटू ही मान लेते हैं। अब मम्मी ने 10 रुपए दिए और बंटू भैया के पे जेब में 10 रुपए पड़े थे। अब जेब में 10 रुपए पड़े थे तो कलकलाट तो होगी कि यार 10 रुपए खर्च करने, 10 रुपए खर्च करने। खरीद लिया कुरकुरे का पैकेट। अब कुरकुरे का पैकेट लेने के बाद हुआ क्या, खाने के बाद, क्योंकि बंटू भैया को किसी ने बताया नहीं कि वो कुरकुरे का पैकेट आपको फेंकना कहाँ है, तो उन्होंने कहाँ फेंका? रोड के साइड में। और चलते गए आगे बंटू भैया और मन्नू भैया, और आगे जाके उन्हें एक कूड़ा मिला और उस कूड़े को देखने के बाद क्या बोला उन्होंने, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो चल रहा है वो चलने दो, है ना। बंटू भैया और मन्नू भैया जो समझदारी का ज्ञान दे रहे थे वही काम तो उन्होंने खुद भी कर लिया। ऐसा ही है, 10 साल तक जिंदा रहेगा वो। 1000 ईयर्स, यानी कि आपके बच्चे के 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 बच्चे भी उस पैकेट को आपके पुश्तैने गिफ्ट की तरह देख सकते हैं। ये कर रहे हैं हम लोग। इन द ईयर ऑफ 2017 आई फाउंड दैट चाहे मॉडल टाउन में या फिर दिल्ली के किसी पॉश एरिया में मेंटेलिटी जो है वो बिल्कुल सेम है। कचरा उठाने का काम किसका है? सिर्फ कचरा उठाने वाले का, ऐसा हम लोग सोचते हैं, जबकि कचरे से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं जानते कि वो नुकसान जो है वो सिर्फ उसका नहीं होगा, वो सबका शेयरिंग में होगा। 2017 में आई लेफ्ट माई जॉब इंटरनेशनल स्कूल एज अ HOD मैथमेटिक्स। वाई? बिकॉज उस पैसे को कमाने का कोई फायदा नहीं है जिसको मैं कमाने के लिए उस स्कूल में जा रहा था। प्रॉब्लम कहाँ है? बहुत मोटे मोटे इंश्योरेंस लेके, बहुत मोटा मोटा बैंक बैलेंस बना के भी वो पैसा मुझे दवाइयों पे ही खर्च करना है, तो क्यों ना उस दवाई के लिए ही फाइट कर लिया जाए, उस कचरे के लिए ही फाइट कर लिया जाए, तो उसके लिए कमाना ही नहीं पड़ेगा।
आज सिर्फ सोच बदलने की देर है। आपकी जेब में जो पड़ा हुआ प्लास्टिक का पैकेट आप फेंकते हुए एक बार भी नहीं सोचते, और आप ध्यान दीजिए 30% आपका IQ जो है वो उस प्लास्टिक ने ही आप दिल्ली में खत्म कर दिया है। और 29 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको 4 स्टेज कैंसर हो गया है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारी बैड हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमें पता नहीं लग रहा। और पता तब तक नहीं लगेगा जब तक हमारे घर का लड़का या हमारे घर का कोई इंसान उस बीमारी से नहीं जूझेगा। और जिस दिन वो उससे जूझेगा उस दिन हमें याद आ जाएगा, हाँ कचरा हमारा उठाना हमारी भी जिम्मेदारी है। मैंने जब वो स्कूल क्विट किया उससे पहले एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। देखो इमोशनल टर्निंग पॉइंट क्या था, रोज सुबह शिव मंदिर से और ढलान के वाला जो हमारा हिस्सा है जहाँ महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ 5:30 बजे कूड़ा उठाने वाला आता है। आजकल हमारे समाज में इतनी ज्यादा क्या कह सकते हैं इनडिफरेंस है कि जो कूड़ा उठा रहा है, जो समाज की सफाई कर रहा है, उसी को गाली मिल रही है। रोज सुबह उसे देखता था मैं, रोज सुबह कूड़ा उठा के जा रहा है और मतलब कुत्ते भौंक रहे हैं उसे, है ना, जानवरों से फाइट कर रहा है, लोगों से तो गालियां मिलती ही हैं गिफ्ट में, है ना। अब ये सब करते करते वो अपना रोज का 2 वक्त का रोटी निकाल हुआ है। उसी के साथ में एक और छोटा लड़का था, आप सभी छोटे हो, 7-year-old boy, हिज नेम इज अमित कुमार। अमित कुमार इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा कम से कम वो तो अलग कर सकते हैं हम, है ना। देश तो तब बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे, और देश की दूसरी पिक्चर अगर देखनी है तो हमें पहले अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। तो आज प्लेच करते हैं कि हम अपना गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा MCDP की गाड़ी में डालेंगे और सूखा कूड़ा जो है वो किसको देंगे पता ही नहीं है किसको देंगे। एक कूड़ा उठाने वाला लड़का आता है सभी गलियों में बहुत बड़ा सा बोरा लेके, आप कभी भी आए तो उसको अपने घर का सूखा कूड़ा लाइक कार्डबोर्ड पेपर पॉलीथीन कुछ भी हो जो बिक सकता हो आपको उसे दे देना है। अगर आप उसको इतना हेल्प करोगे तो एक तो उसका लाइवलीहुड बना रहेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, स्वच्छ वातावरण। खत्म करने से पहले एक बार साथ बोले, मेरी दिल्ली इसकी सफाई, मेरी दिल्ली इसकी सफाई। थैंक यू।